तो दोस्तों अगर आपके पास पोको X6 5G मोबाइल है तो इसमें फिर से एक सॉफ्टवेयर का अपडेट आ चुका है। इसी अपडेट के बारे में बताने वाला हूं क्या आपको इसमें प्रॉब्लम मिलने वाला है और क्या फीचर यहां पे देखने को मिल जाता है। सबसे पहले यहां पे जो पुराना अपडेट मिला था HyperOS का, वो मिला था 1.0.3.0 का अपडेट मिला था और वो 6GB का अपडेट था। उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने काफी सारे फीचर बताए थे कि उसमें आपको कौन कौन सा नया फीचर देखने को मिल जाता है। और यहां पे दोस्तों बात करते हैं इस अपडेट के बारे में, तो इसमें आपको जो मिलने वाला है 1.0.4.0 का अपडेट HyperOS का देखने को मिल जाएगा। और ये दोस्तों जो अपडेट है वो आपको 134 MB का मिल जाता है। पर दोस्तों ये जो अपडेट काफी छोटा है, पर जब भी आप इसको अपडेट कीजिएगा तो 10 से 15 मिनट दोस्तों आपको यहां पे अपडेट में लग जाएगा, क्योंकि यहां पे दोस्तों थोड़ा रिबूट होने में यहां पे टाइम लगता है, फाइनलाइजेशन होने में यहां पे थोड़ा टाइम लग जाता है। तो जब भी आप इसको अपडेट कीजिएगा तो 15 से 20 मिनट आपको यहां पे निकाल के ही इसको आप अपडेट कीजिएगा। छोटा है पर यहां पे टाइम लग जाता है। उसके अलावा दोस्तों जैसे आप इसको अपडेट कीजिएगा तो अपडेट करने बाद सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी पैच के बारे में। तो इसमें अपडेट जैसे कीजिएगा तो एंड्रॉइड पैच का जो सिक्योरिटी अपडेट है वो आपको मार्च 2024 का देखने को मिलेगा। तो 1 मार्च 2024 का आपको एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाएगा। और गूगल प्ले सिस्टम अपडेट का जो सिक्योरिटी पैच है वो भी आपको 1 मार्च 2024 का देखने को मिलेगा। पर दोस्तों वो आपका अपडेट हो जाएगा, पर उसको आपको एक्टिव करने के लिए आपको रिस्टार्ट करना होगा। तो गूगल प्ले सिस्टम अपडेट में जाइएगा तो आप वहां पर देखिएगा आपको रिस्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा। रिस्टार्ट पर क्लिक करके आपको अपने मोबाइल को रिस्टार्ट कर लेना है तो गूगल प्ले सिस्टम अपडेट भी आपका यहां पे हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पे बात करते हैं फीचर के बारे में। तो सबसे पहले तो दोस्तों जैसे आप यहां पे देखें तो स्क्रीन में आपको देख रहा होगा कि इसमें स्टेप टेकर को आप यहां पे होम स्क्रीन में भी यहां पे ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों यहां पे जो आपको फोल्डर देखने को मिल रहा है, इस फोल्डर को अगर आपको बिग करना है तो एनलार्ज फोल्डर का ऑप्शन भी आपको यहां पे देखने को मिल जाता है। कुछ यहाँ पे दोस्तों आपको इशू मिल सकता है। सबसे पहले जो इशू मुझे यहाँ पे फेस करना पड़ा है वो फेस करना पड़ा है कैमरा से रिलेटेड। होता क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे रियर कैमरे से कोई भी वीडियो को रिकॉर्डिंग करता हूँ और 4K को अगर इनेबल करता हूँ, इनेबल करने वाले वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ और चारों तरफ अपना व्यू एंगल को अगर लेता हूँ तो उसमें मुझे ग्लिच देखने मिलता है। कैमरा बीच बीच में वहां पर ग्लिच करता है, स्टक होता है, ये प्रॉब्लम मुझे देखने मिला। और वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको प्ले करता तो उसमें भी मुझे यहाँ पे ग्लिच देखने मिला है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके अलावा दोस्तों जैसे आप यहाँ पे सोशल साइट में जाते हैं, सोशल साइट में जैसे इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं और उसमें कोई भी लॉन्ग वीडियो को देखते हैं, शॉर्ट वीडियो को देखते हैं, तो जैसे वीडियो देखिएगा तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि वो वीडियो आपको वहां पर स्टक हो जाता है, वो अप डाउन वहां पर नहीं होता है, बीच बीच में आपको स्टक का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। मुझे काफी बार ये प्रॉब्लम देखने मिला है इस अपडेट के बाद, और पहले भी जो अपडेट आया था उसमें भी दोस्तों ये प्रॉब्लम मुझे देखने मिला था और अभी भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें आपको कैसा बैटरी बैकअप देखने मिलेगा। तो सबसे पहले यहां पे बात करते हैं बैटरी के बारे में। तो जिस समय आपने अपने मोबाइल को यहां पे परचेस किया था और जैसा आपको बैटरी बैकअप मिल रहा था वैसा ही दोस्तों आपको अभी भी यहां पे बैटरी बैकअप देखने मिलेगा। इसमें आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलने वाला है। मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। तो दोस्तों जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, अगर बैटरी परफॉर्मेंस में देखें तो यहां पे कोई भी ड्रेनिंग का इशू अभी तक नहीं आया है। मैं इसको लॉन्ग टर्म से यूज कर रहा हूं और चार्जिंग कर रहा हूं, ना हीटिंग का इशू मिल रहा है, ना बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम देखने मिल रहा है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कोई भी इशू यहां पे बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है। अगर हीटिंग का इशू आना चालू हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका मोबाइल का जो बैटरी ड्रेन है वो होना चालू हो जाएगा और ये दोनों अभी यहां पे ठीक काम कर रहा है, इसमें कोई भी इशू देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी यहां पे बात करते हैं मोबाइल के परफॉर्मेंस के बारे में। मोबाइल का परफॉर्मेंस ठीक है, इसको अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर लीजिए, आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ दो इशू आपको कैमरे से रिलेटेड मिल जाएगा। तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो 1080p में आप वहां पे रिकॉर्डिंग कीजिए, उसमें कोई भी इशू नहीं मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।